ये देखो मुसलमानों, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये जुम्मे का मुबारक दिन है और ये फजर का माहौल है। क्या खूबसूरत जो है वो माहौल है, हर तरफ जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से मुसलमान खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं, मस्जिद हराम की तरफ बढ़ रहे हैं और फजर की नमाज अदा करने की ख्वाहिश में आगे से आगे तेज़ी से जाते जा रहे हैं। सुबहानअल्लाह माशाल्लाह, क्या माहौल है। ये माहौल सिर्फ फजर में इसी शहर में दिख सकता है और उसके अलावा तो बहुत मुश्किल काम है। कारोबार बंद होता है नमाज के टाइम पे कम्प्लीटली, कुछ भी नहीं खुला होता और कुछ खुला हो नहीं सकता। आई थिंक फाइन वगैरह हो जाता है या क्या होता है, बट ये कि सब कुछ बंद है। ये देखो यहाँ पे जाना माँ जाए वो 10-10 हज़ार की मिल रही है। ये अच्छी मोटी क्वालिटी की है थोड़ी, और इसके ऊपर जो है वो ये थोड़ी पतली होती है, बट इसके ऊपर जो है वो नाम आराम से आप लिखवा सकते हो, जैसे लिखा हुआ है नाम। ये तो ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर सना का नाम लिखवा लेता हूँ और ये मैं अपने लिए ले लेता हूँ। अशअर अशअर अलिफ शीन एन रे। कितना रश हो गया, अभी अभी फजर की नमाज खत्म हुई है और उसके बाद मैंने सोचा कि जाना नमाज ले लेता हूँ। जुम्मे ही सुबह सुबह देखो माशाल्लाह से कितना रश हो रहा है। उमरे के लिए आज बहुत पब्लिक आ रही है, आई थिंक इसलिए क्योंकि यहाँ पे सऊदी में आज छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो लोकल होते हैं लोग वो भी काफ़ी उमरा करने के लिए आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने 2-3 दिनों में इतना ज़्यादा रश नहीं देखा उमरे पे जाने के लिए। नमाज के लिए बहुत होता है, उमरे के लिए मैंने आज जुम्मे को फर्स्ट टाइम इतना रश देखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम मक्का। इस वक्त हम लोग मक्का के शहर में हैं, बहुत ही मुकद्दस शहर और बहुत ज़्यादा रौनक वाला। तो आज हमारी फैमिली जा रही है एक ज़बरदस्त ट्रिप पे। तो बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने हमें जब देखा कि मक्का में आए हुए हैं हम और सऊदी अरब में, तो लोगों ने बोला भाई कि आप लोग जो जद्दा का ट्रिप भी करेंगे तो हमारे साथ चले चलें, और बहुत लोगों ने ऑफर किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ऑफर किया। उनमें से एक सब्सक्राइबर है खुर्रम, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा जेन्युइनली बोला था। हमने कहा कि चलो ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं कि उनके साथ भी जद्दा चलते हैं। तो आज खुर्रम लेने आ रहे हैं हमें जद्दा ट्रिप के लिए फ्रॉम मक्का, ऑल द वे फ्रॉम जद्दा। और अब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इमार ग्रैंड के सामने। मेरे कजन का भी होटल था। अब ये होते हैं नमाज के टाइम पे थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, चीजें बंद कर देते हैं कुछ रोडों को, तो बस उसी तरह कोऑर्डिनेशन पे लगे रहे। फायदा भी आज हमारा डे 6 इन मक्का मुकर्रमा। तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सऊदी अरब के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जरूर करें सब्सक्राइब, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर आने वाले। डेरी मिल्क मिली नहीं मिली? हाँ भाई, मैं तो पूरी दूर शॉप में गया था ढूंढने के लिए, वो बोल रहे थे नहीं भाई नहीं है। चलो अभी आगे चलेंगे उनके साथ, फिर जो है वो डेरी मिल्क दिलवा दूंगा, ठीक है? दो डेरी मिल्क। तो भाई बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मतलब आप सऊदी अरब को कवर करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो ये जो ट्रिप है हमारा जो सऊदी अरब के ऊपर है, मतलब सऊदी अरब के अंदर है, तो जो ये ट्रिप है ये हमारा रिलीजियस ट्रिप है एक तरह का, और हम लोग यहाँ पे प्योरली सिर्फ जो है वो इबादतें करने के लिए या फिर जो है वो उमरा करने के लिए, ऑब्वियसली उमरे की नीयत से आए थे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करने के लिए आए होते हैं और वो बीच में उमरा कर लेते हैं, मगर हम उमरा करने के लिए आए थे और बीच में जो है वो हमें किसी ने बोला, जैसे ये सर ने बताया कि जो है वो आप इस तरह जो है वो अगर मौका हो तो आप कर ले, तो हमने कहा कि चलो माशाल्लाह से मैंने 2 उम्रे भी कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक अपना और एक अपनी अम्मी का जिनका इंतकाल हो गया था। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हम जो है वो ये कर लेते हैं, मगर हमारा जो कोर मकसद है यहाँ पे मक्का मदीना में आने का और मक्का में आने का मदीना में जाने का सऊदी अरब आने का वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है हमारी ज़्यादातर, तो आप लोगों को वही इंशाल्लाह ताला आगे व्लॉग्स के अंदर नज़र आएंगे। तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 और एंड वी आर ऑन द वे टू जद्दा। तो जद्दा इस वक्त तकरीबन 17 मिनट दूर है, 18 मिनट तकरीबन दूर है, और वैसे ओवरऑल अगर मक्का से आप जद्दा जाओ तो 1 घंटे का सफ़र होगा आई थिंक। तो रास्ता बड़ा ही प्यारा सा है, बीच में मतलब थोड़े थोड़े दरख्त नज़र आते हैं, पाम ट्रीज, ज़्यादातर डेजर्ट है और काफ़ी कच्चे कच्चे घर नज़र आते हैं, मकानात हैं कच्चे बने हुए, बहुत अच्छी आबादियाँ बहुत हैं यहाँ पर, और पुराना किस्म का जो सऊदी अरब पहले का अरब का दिखता होगा तो वैसा वाला फील आती है रस्ते में सारी। तो हम लोग इसलिए सब देखते हुए जा रहे हैं बिकॉज इट्स सो डिफरेंट एंड यूनिक, ऐसा हम लोगों ने जा रहे हैं कि दुबई वगैरह में नहीं देखा था, तो सऊदी अरब इज़ वेरी यूनिक इज दिस वन, और पहली दफ़ा हम इस तरह के मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आए हैं, तो इट फील्स गुड। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जद्दा की क्या फील आती है, क्योंकि पोर्ट है और शायद भाई हमें कॉर्निश की तरफ दिखाएं,
कि कैसा है कॉर्निश वहाँ पे, देखेंगे कि कितनी खूबसूरती है, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। एंड पोर्ट सिटी कहलाता है, तो ऑब्वियसली पानी वानी एक्सपेक्ट करते हैं, तो लेट्स गो। इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं खुर्रम भाई के साथ, ही हैं खुर्रम, और ये हमारे जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे, और इन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया इस तरह कि यार आपको दिखा देते हैं। तो अभी ये जो है वो हमें जद्दा दिखा रहे हैं पूरा, और ये बता रहे थे कि ये इनके जो फादर थे 1975 में सऊदी अरब आए थे। वाह, और आप लोग जो है वो, आप लोग कब आए बचपन में, जो बस जब यहीं पे थे, बताओ यार 1975 में सोचो सऊदी अरब कैसा दिखता होगा, क्या होता होगा, इन्होंने सब कुछ अपने आंखों से बनते हुए देखा होगा, बड़ी बड़ी चेंजेस। और ये सामने जो देख रहे हो ये जो है वो जद्दा का ट्रेन स्टेशन है, जो बुलेट ट्रेन है ना भाई, जब हम इंशाल्लाह मक्का जाएंगे तो मक्का का ट्रेन स्टेशन भी आपको दिखाएंगे और मदीना का भी दिखाएंगे। तो आपका कैसा रहा अब तक यहाँ पे जद्दा में? हाँ जद्दा में अच्छा रहा, सफर बहुत मजा आता है। ये बताएं आपने उम्रा कितनी दफा किया है? याद नहीं है, याद नहीं है। आपके सामने जो है वो कितना, मतलब सऊदी अरब में कितना चेंज आया है? बहुत चेंजेस आई है, बहुत चेंजेस आई है, मतलब सड़क टूटते देखी है, बनते देखी है, फ्लाईओवर जो नहीं थे वो बनते देखे हैं मैंने, मतलब बहुत कुछ, पूरा एयरपोर्ट जो नया बना है वो देखा है बनते हुए। पहले कितना टाइम लगता था अगर आप जद्दा से मक्का जाते थे, अगर ओल्ड रोड की बात करें? पापा बताते हैं वो टाइम इतना ही था, लेकिन वो बस रास्ता थोड़ा सा छोटा था। अच्छा सही, सड़कें आपके बहुत छोटी थी, कंजेस्टेड थी, वरना टाइम इतना ही लगता है। सही, जब से देखना शुरू किया तो मैं तो इसी रोड पे हूँ, बहुत कम उस रोड पे गए। सही भाई बता रहे हैं कि दो अजीजियाँ हैं, एक है मक्का के अंदर और एक है जद्दा के अंदर, ऐसे ही है, मतलब वो पाकिस्तानियों का मेन गढ़ माना जाता है जद्दा में, है ना? जद्दा पाकिस्तानी इंडियन दोनों, पाकिस्तानी इंडियंस दोनों, मतलब दोनों कम्युनिटीज जो है वो साथ मिलजुल के रहते हैं अपने आराम से। सही है जबरदस्त। और आपने भी वहीं से स्कूलिंग की है, अजीजिया में ही, है ना? काफी आई थिंक फेमस है ना, बहुत फेमस इलाका है यहाँ का जद्दा का, मक्का भी मैंने आई थिंक सुना है काफी अजीजिया में फेमस है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मगर जद्दा में तो काफी फेमस इलाका है। कितना रश हो रहा है यहाँ पे, फुल पीक आवर चल रहा है, क्योंकि छुट्टियां और ये होंगी अभी ऑफिस की, देखो हर जगह बसेस हैं, गाड़ियां हैं, फुटबॉल क्लब है, ये सारा इलाका अजीजिया का है ना, ये रिहा क्या अजीजिया है, सही शुरू हो जाता है यहाँ से। सो ये सफा का इलाका है, और ये अलसफा बात हो रही है, यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने जो है वो तोड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो है वो नई बिल्डिंग्स आगे फ्यूचर में प्लान है बनाने का यहाँ पे, जितना अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखो कितना कुछ तोड़ा हुआ है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो 2030 का इनका विजन है। अब ये उसमें क्या बनाने वाले हैं 2030 में, दुबई जैसे कोई सिटी कुछ नहीं, तो ऐसे ही देखें अल्लाह वाले के, देखते हैं भाई सऊदी अरब 2030 के अंदर क्या चीज़ लेकर आता है ऐसी, क्या पता कोई दुबई को बीट कर सके। अभी तक जो है वो, जो अपना मेरी जाती राय है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई सिटी नहीं बना जो दुबई को बीट कर पाए, बट ये है कि सऊदी, जो मेरे कज़न ने भी बताई थी बात कि सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी जो है वो डिज़ाइनर है, मतलब ड्राइंग्स बनाता है और वो करता है, तो उसने बताया था कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो दुबई को जो है वो बीट करेंगे आगे चल के सऊदी अरब के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त बूम पे है इस वक्त कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो उसकी कंपनी थी तो वो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, और सारी डिजाइनिंग और ये वो सब कुछ ऑटोकैड के ऊपर 3D डिजाइनिंग करना वो करना उसका काम होता है। तो वो ये बताता है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे इस वक्त मेनली जो है वो सऊदी अरब में है, और वो वहाँ दुबई से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं खुर्रम भाई के घर में, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत घर इन्होंने सेट किया हुआ है, भाभी ने और इन्होंने दोनों ने मिलकर, और देखो यहाँ पे इन्होंने जो है वो हमारे लिए चाय का हाई टी समझ लो, फुल चाय तो कोई चीज़ नहीं है छोटी, बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ही मेहमान नवाज हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आप इतनी दूर से हमें मक्का से हरम से पिक किया, आपने अपने घर लेकर आए, और इतना ज्यादा आपने जो है वो खातिर तवाजा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। घर का फर्नीचर बड़ा जबरदस्त लगा, लेकिन बड़ा यूनिक है, हाँ यूनिक है, एंटीक स्टाइल का है, और मतलब पहले ऐसा घर देखा नहीं होगा कि जिसमें जैसे कि आप लोग ये देखेंगे ना, और ये सारा फर्नीचर, ये रैक वगैरह बिल्कुल लगा है शोरूम स्टाइल का, बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि खुर्रम भाई ऐसे काफ़ी पुराने सेटल हैं यहाँ पे, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बनी जाती हैं वाकई, और फील होता है कि हाँ यार पुराने सेटल वाले भी घर पर आए हैं। तो गाइस इस चाय वाले का इतना भी इंतजाम किया है, ये किया है इन्होंने और इनकी वाइफ ने, जो बीच में हुई है, इनका नाम है मदीहा। तो मदीहा एंड खुर्रम भाई थैंक यू सो मच, हम लोग ने जो है वो मतलब नहीं, थैंक यू फॉर आपने डूइंग, आपने इतना जो है शॉर्ट नोटिस के ऊपर बनाई है, बिट इतनी जल्दी कर दिया आपने, आप लोग जब चीज आपको बनाए और हम लोग मिले, अच्छा
और ये मतलब प्रूफ होता है सर कि जद्दा वाले मेहमान नवाज होते हैं माशाल्लाह, बहुत मेहमान नवाज, एंड ये जद्दा वाले हैं। मगर है माशाल्लाह से जद्दा में ही, और वाकई में ये आपकी अपनी वो होती है बहुत, दोनों ही जो है वो हस्बैंड वाइफ वाकई में बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कोई जद्दा से मक्का लेने के लिए आए और फिर अपने घर में इस तरह का जो है वो इंतजाम करे। यार थैंक यू सो मच आप दोनों का, फॉलो करते हैं आप लोग, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, तो वही वाली बात है कि मैं उनको बहुत एक्साइटिंग थी कि आप लोगों से मिलना है। इस वक्त मौजूद है अलतहलिया स्ट्रीट के ऊपर, और यहाँ से आगे जो ये है रास्ता ये खालिदिया की तरफ जा रहा है। इस वक्त आ गए हैं कॉर्निश पे, अब मैं खुर्रम भाई और उनकी फैमिली लेकर आई है, और यहाँ पे हम लोग जद्दा के कॉर्निश पे आ गए जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो अभी रात का टाइम हो गया क्योंकि निकलते निकलते हमें थोड़ा टायर्ड हो गई थी, और फिर नाइट लाइफ जद्दा की साथ में देख भी लेंगे। तो यहाँ पे देखें खूबसूरत सी ये रोड है, ज़बरदस्ती चल रही है, वहाँ बराबर में बीच है तो वहाँ पर जाके देखेंगे साथ में। और देखें सामने जो है वो साइन भी लगा हुआ है जद्दा का, जद्दा का साइन यहाँ पे बना हुआ है, इसके सामने हम करवाएंगे फोटो ज़बरदस्ती अपनी यादगार के लिए। और देखो फैमिलीज वगैरह भी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है काफ़ी सारी, ये देखो यहाँ पे समंदर भी है सामने, और यहाँ पे ये पूरी कॉर्निश है। ये देखो नए नए होटल बन रहे हैं यहाँ पे जद्दा के, ज़बरदस्त बन रहे हैं, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल गेम बनाने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के 2030 का जो विजन है वो इनका किस तरह का रहता है और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आगे चल। इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि यहाँ इस पूरे कॉर्निश में जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सब पेड है, आपको पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद आप वॉशरूम में जाओगे, बिकॉज ऑफ सख्ती, इसलिए कि ताकि लोग ज़्यादा उसका मिसयूज़ ना करें या ख़राब ना करें, सफाई मेंटेन करें। देखो यहाँ पे जद्दा कॉर्निश पे इन्होंने जो है वो छोटे छोटे आउटलेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे बास्किन रॉबिन्स का है, डंकिन डोनट्स का है। देखो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है, और मैं बोल रहा था कि जो मस्जिद की खूबसूरती होती है वो तो एक ऑब्वियसली जो उसका आउट स्ट्रक्चर होता है वो तो होता है उसकी, मगर जो लाइटिंग होती है वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, जैसे नीचे ही वाइट है और ऊपर ग्रीन जो है वो गुम्बद वाइट ही है, बट ग्रीन लाइटिंग की वजह से जो है वो अलग ही उसको खूबसूरत बना रहा है। सामने यहाँ पे जॉगिंग भी चल रही है इस कॉर्निश पे, देखो वाओ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे कॉर्निश पे इस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, ये ट्रैक बड़ा ही अच्छा है यहाँ पे, ये साइड साइकिलिंग की है, वो भी साइड साइकिलिंग की है जाने आने की, और यहाँ सिर्फ वॉकिंग की है, तो यहाँ कोई गाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग आराम से वॉक कर रहे हैं। इट्स अ गुड नाइस एरिया टू गो अगर मतलब लोग जो जद्दा जो आना चाह रहे हैं कुछ दिन के लिए विजिट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड एरिया, अगर यहाँ पे आए आप लोग तो थोड़े अच्छे के लिए यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। तो गाइस सामने आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर पानी रखे हुए फ्रिज है, और ये फ्री है बिल्कुल, अगर आप फ्री पानी उठाना चाहो, वैसे तो यहाँ पे एक रियाल का पानी मिलता है, जैसे इस तरह की बोतल जो है एक रियाल की मिलती है, तो लेकिन यहाँ पे आप देखो ऐसे लोगों ने फ्री में लगाए हुए होते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए जो आप लोग साइकिल देख रहे हैं ना, मियाँ बीवी और बच्चा तीनों बैठे हुए हैं, ये आप रेंट पे उठा सकते हैं, बहुत अच्छी साइकिल है, कभी मेरा शहर दोबारा आएंगे ना जद्दा घूमने के तो यहाँ वाली साइकिल जरूर राइड करेंगे। तो गाइस ये जो फाउंटेन आप लोग देख रहे हैं जद्दा का बहुत ज़्यादा मशहूर फाउंटेन है, बहुत सारी टूरिस्ट यहाँ पे आके देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ मना किया हुआ है, तो हम लोग बस चलते चलते में ही देख रहे हैं फाउंटेन, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और सबसे बड़ी बात की टॉलेस्ट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसमें बताया गया कि ये टॉलेस्ट है ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज इटसेल्फ इज अ फैसिनेटिंग थिंग कि जद्दा में हमें एक चीज़ ऐसी मिल गई बहुत अच्छे से, थैंक्स टू खुर्रम भाई एंड हिज फैमिली। और अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं और भी चीज़ें देखने के लिए, बट किंग फहद फाउंटेन देख के बहुत अच्छा लगा।